हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज लौकी का हलवा। आज वीडियो मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो ये 1 किलो लौकी है, इसको मैंने छील करके धो लिया है साफ़। पहले भी धो लिया था, फिर बाद में भी धो लिया है। अब मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी लौकी को। तो ये लौकी जो है बिल्कुल सॉफ्ट थी, इसमें कोई बीज वगैरह नहीं थे। अगर बीज होते हैं तो हम इसको साइड से निकाल लेते हैं, बीज बीज छोड़ देते हैं, अंदर बीज का जो हिस्सा होता है वो। लेकिन लौकी बिल्कुल सॉफ्ट थी और एकदम से फ्रेश थी, आज ही आई थी। तो बच्चों का मन था, मतलब कई बार मुझे बोल चुके थे कि मम्मा आज लौकी का हलवा बना दो, लौकी का हलवा। मैंने कहा चलो लौकी का हलवा बनाती हूँ या फिर लौकी की मैं बर्फ़ी बनाऊँगी। तो मैं अभी तो भाई इतना डिसाइड नहीं था, लेकिन मैंने लौकी दोनों चीज़ ही बनाई थी, वो आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल। अब यहाँ पर रख दिया कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़ा सा डालूँगी घी, 1 चम्मच के करीब घी है, ज़्यादा घी नहीं है। और ये मैं बिना मावा के बनाऊँगी आज जो बर्फ़ी है लौकी की। ये देखिए, इसको मैं डाल लिया है कढ़ाई में। इसका हमें पानी नहीं निकालना है, लौकी को ऐसे ही डालना है। इस लौकी की बर्फ़ी में सारे गुण हैं, मतलब एकदम पौष्टिक भी रहेगी और कोई भी ऐसी बाहर की चीज़ भी इसमें नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो घर वाली हैं, कोई भी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि नहीं आपको बाहर से मावा लाना है या कुछ। तो इसको मैं कम से कम 5 से 7 मिनट इसको इसी तरह से फ्राई करूँगी लौकी को, जिससे कि ये सॉफ्ट भी हो जाएगी थोड़ी सी, जैसे गल सी जाएगी और पक भी जाएगी हल्की सी। तो इसको देखिए 5 से 7 मिनट ही मैंने किया है। लौकी वैसे भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी, तो ये गल सी गई है हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है, मतलब सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने लिया है मलाई वाला दूध, मतलब पूरा मलाई के समय दूध लिया है। ये जो आप कटोरा देख रहे थे, ये थोड़ा सा खाली था, तो इसको भर के लिया है। मैं क्वांटिटी नहीं बता सकती हूँ कितना था, बट ये इतना ही था, मैंने अंदाज से ही लिया है। तो दूध आप अगर मलाई वाला लेते हो, अगर आपके पास ऊपर से अगर मलाई रखी हुई है, मेरे पास मलाई आपको पता है मैं इकट्ठा नहीं कर रही हूँ अभी फ्रिज की वजह से, तो मैंने मलाई वाला दूध ही ले लिया है। तो आप क्या करें कि दूध ले लें और ऊपर से आपके पास अगर मलाई है फ्रेश, खट्टी नहीं होनी चाहिए, तो आप वो मलाई भी अलग से डाल सकते हो, क्योंकि हम बिना मावा का बना रहे हैं इसलिए। अब गैस के फ्लेम को मुझे तेज़ रखना है, हाई रखा है मैंने गैस के फ्लेम को, और यहाँ पर मैं इसको चलाती जाऊंगी और इसको दूध के साथ पकने देंगे, जब तक कि दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, एकदम से सूख ना जाए इसमें दूध। तब तक हम कर लेते हैं इलायची। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 इलायची ली है, जिनका मुझे पाउडर बनाना है। और यहाँ पे हम देखिए चेक करें, अभी थोड़ा सा दूध बाकी है इसमें, तो इसको और पका लेंगे अच्छे से, इस दूध बिल्कुल जल जाएगा। गैस के फ्लेम को मैंने तेज ही रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध जो है हमारा बिल्कुल जल चुका है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे चीनी। तो मैंने उतनी ही चीनी ली है जितना दूध लिया था, तो चीनी का मेरा कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं था, बट मैं आपको ये बता दूँ, जितना मैंने चीनी जितना दूध लिया था ना, उससे हलवा इतना परफेक्ट बना था और बर्फ़ी इतनी परफेक्ट बनी थी ना, कि ना मीठा कम ना बहुत ज़्यादा। अगर आप कम ज़्यादा तो फिर मीठे का तो ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो, कम ज़्यादा जैसा भी खाते हो। तो मैंने तो उतना ही लिया था जितना कि मैंने दूध लिया था, ठीक है। अब इसको हमें तेज़ आंच पे ही, इसको भी जब तक चीनी का पानी जो है बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे तेज़ आंच पे। इधर इन्होंने बोल दिया था चाय के लिए, एक्चुअली एक चाय तो पहले बन चुकी थी मेरी, ये दूसरी चाय, तो 2 चाय सुबह बनती हैं, 2 चाय शाम को बनती है। तो मैंने उधर दूसरी गैस पर चाय को चढ़ाया हुआ है और यहाँ पे इसको भी चलाती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ली है जो आप प्लेट में देख रहे हो, इनको मैंने साफ़ कर लिया है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट लूँगी मैं, आप जो भी अवेलेबल हो, तो वैसे ज़रूरी नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा डेकोरेशन में चाहिए मुझे, जो बर्फ़ी को मैं डेकोरेट करूँगी ना ऊपर से, उसके लिए चाहिए बस थोड़ा सा मुझे। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, आप लोग भी वही चाय पी लीजिए। और यहाँ पे एक साइड हलवा भी बनता जा रहा है। यहाँ पे देखिए चीनी को बिल्कुल सुखा लेना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद बहुत सारा पानी फिर से हो जाता है इसमें। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें चीनी चाय में। मैं चाय में चीनी हमेशा ना दूध डालने के बाद ही डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चाय जो है फट जाती है, तो चीनी भी वेस्ट होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चाय हमारे दूध डालने के बाद फट जाती है, तो मैं हमेशा, मेरी ये आदत है कि मैं चीनी बाद में ही डालती हूँ, जब मेरी चाय में दूध वूध डल जाता है तब। तो यहाँ देखिए हलवे को मैं चलाती जा रही हूँ, मैं बार बार हलवा ही बोल रही हूँ, बट ये बर्फ़ी है, मैंने जमाई थी कतली। तो अब मैंने डाल दिया यहाँ पे इलायची पाउडर, और जो मेरे चिरौंजी ली थी उनको मैंने साफ़ करके डाल दिया है। इसको चला लेंगे। अब ये हलवे के लिए तो इतना ही परफेक्ट है, ये काफ़ी है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल लूँगी, हलवा हो गया ये। और अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा तो फूड कलर भी डाल सकते हो, ग्रीन वाला, बट
ठीक नहीं रहता जब हम घर में ही बना रहे हैं, तो क्यों फूड कलर डालें, है ना, नेचुरल कलर ही अच्छा लगता है। तो वो मैंने थोड़ा सा हलवा निकाल दिया है मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को हलवा ज़्यादा पसंद है। अब हम इसको और चलाते जाएंगे जिससे कि जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये देखिए इस तरह से चलाना है, तो आपको पता चल जाएगा कढ़ाई छोड़ने लगेगी अपने आप। तब तक हम इसको चलाते रहेंगे बर्फ़ी के लिए। अब एक चम्मच मैंने यहाँ पर सिर्फ घी और लिया है, आप देख सकते हैं एक चम्मच घी ही लिया है बस। इसमें टोटल 2 चम्मच घी लगा है और दूध घर का, बाकी मावा वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन ये बर्फ़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप बना के देखना। और घर के सामान से बनाई है मैंने। तो इसको देखिए मैंने एक थाली में लगा लिया है घी, जिसमें कि मुझे इसको जमाना है बर्फ़ी को। ये देखिए इसमें कर लेते हैं थोड़ा सा, निकाल लेते हैं, थोड़ा सा नहीं सारा ही निकालना है, सॉरी। और कढ़ाई पर चिपकता नहीं है, समझो आपकी बर्फ़ी अच्छी जमेगी, ठीक है ना। अब इसको मैं सेट कर देती हूँ बर्फ़ी वाले शेप में, स्क्वायर शेप में मैंने कर दिया है इसको। ये देखिए चौकोर अच्छे से कर दिया है। अगर आपके पास फ्रिज है तो प्लीज़ इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। मेरे पास फ्रिज नहीं था, यहाँ पर मैंने खरबूजे के जो बीज होते हैं ना वो लिए हैं, और थोड़ा सा बादाम ऊपर से इसको डेकोरेट करने के लिए। ये देखिए, और इसको भी दबा देंगे कलछी से अच्छे से, इसमें चिपक जाए अच्छे से। अब इसको मैं दो, मेरे पास तो खैर कम से कम मैंने 3-4 घंटे रखी थी नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि। और ये बन गई है मेरी चाय, बाकी सब लोगों को मैंने दे दी थी। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय पी लीजिए और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा आप लोग। मेरी रखी है लौकी की बर्फ़ी, बहुत ही अच्छी लग रही है, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको कट नहीं किया, इसको मैं ठंडा करूँगी पहले, तब कट करूँगी। तो मेरे पास फ्रिज तो है नहीं है, तो मुझे ऐसे ही नॉर्मल ठंडा करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास फ्रिज है ना तो 1-2 घंटे के लिए रख दो फ्रिज में, और बहुत ही सेट हो जाएगी। और इधर थोड़ा सा मैंने बताया था, मैं हलवा निकाल दिया था, मम्मी को हलवा पसंद है इसलिए। तो दोनों चीज़ हो गई थी, बस ये है कि हलवे में थोड़ा सा कम उसको करना पड़ता है ड्राई, और बर्फ़ी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे कि वो जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए वही। और आपको यहाँ कुछ थोड़ी सी कमी दिख रही है क्या? अगर जो मेरे रोज़ ब्लॉग देखते होंगे उनको पता चल रहा होगा शायद, और यहाँ पता चल जाएगा कौन मेरे रोज़ ब्लॉग देखता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या कमी लग रही है यहाँ पे। और बस अभी बनाऊंगी मैं खाना। तो आज सब्ज़ी मैं बनाने हूँ टिंडे की। तो टिंडे की सब्ज़ी कई तरीके से बनती है, जैसे सूखी भी बनती है काट करके, जो मेरे मायके में तो सिंपल वाली बनती है बिल्कुल बिल्कुल ड्राई, जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ थोड़ी अलग बनती है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने टिंडे जो है छील के रख लिए हैं, और उसके लिए जो प्याज है वो मैंने ले लिया है। बस अभी बनाऊंगी थोड़ा सा, मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और भी देखिए मेरी किचन जो है फैली पड़ी है सारी, इसको मुझे समेटना है अभी, इसको मैं ठंडा होने दूंगी पहले। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, प्याज में बनेगी, और यहाँ चावल के साथ खाई जाती है टिंडे की सब्ज़ी। बट ये ज़रूरी नहीं है चावल नहीं, तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट चावल के साथ चावल ज़रूर बनते हैं ये है। तो चलिए अभी कर लेते थोड़ा सा काम, इस रसोई को समेट लेती हूँ मैं। ये मैं आपको करी पत्ता दिखा रही थी, ये मैंने धो के रख दिया है सुखाने के लिए इस करी पत्ते को। इसको मैंने छांव में ही सुखाया है, ये काफ़ी सारा ले आए थे, तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। एक्चुअली फ्रिज तो है नहीं, अब यहाँ पर मैं आ गई थी भगवान जी का भोग लगाने हलवे का। मैंने कहा चलो ठाकुर जी को भुला के, बच्चे मांग रहे थे बार बार, मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने रख दिया है भोग, और ये है मेरे छोटू से लड्डू गोपाल जी, और ये है हमारे ठाकुर जी राधा कृष्ण जी लक्ष्मी और गणेश जी। और बाकी सारा मंदिर मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, मुझे बोला है किसी ने। यहाँ पे कर दिया है पर्दा बंद, और पर्दा बंद करना पड़ता है भोग लगाने के लिए। तो लीजिए भोग लग गया है, अब आप लोग खा लीजिए, इसलिए मैंने आपसे पहले नहीं पूछा था। अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी करने लगी, तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है गैस पर, और इसमें किया है मैंने सरसों का ऑयल। जब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा, तब इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरे को डालने के बाद डाल दूँगी मैं इसमें प्याज, मैंने पीस करके रखा था, मैंने आपको दिखाया था वो प्याज को मैंने पीस लिया था। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर सीधे से बनती है जैसे मैंने आपको बताया है। तो प्याज को मैं अच्छे से भूनूंगी, इसमें टमाटर नहीं डलते हैं, मतलब देखो अपने अपना टेस्ट होता है, हम यहाँ नहीं डाले जाते हैं तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और 2 चम्मच के करी मैं डालूंगी इसमें सौंफ। तो इस तरीके से बनाई जाती है ये सब्ज़ी। आप इसको सब्ज़ी को ड्राई भी बना सकते हो, और ग्रेवी वाली भी बना सकते हो, यानी पानी डाल के भी बना सकते हो।
तो अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक डाल करके अब इसको मसाले को अच्छे से हमें भूनना है। जब तक मसाला हमारा भून रहा है, गैस को मैंने सिम कर दिया है, और मैं काट लेती हूँ टिंडे। तो टिंडे को आप मैंने इससे इस तरीके से काटा है, आप अपने मनचाहे शेप में जैसे भी आप सब्ज़ी काटते हैं ऐसे काट सकते हो। अगर ये टिंडे छोटे होते ना तो मैं इनको भरमा बनाती, क्योंकि भरमा बनाने के लिए भी यही मसाला चाहिए होता है। सौंफ का टेस्ट जो होता है वो भरमा में होता है, इसलिए तो ये सब्ज़ी भी भरमा वाला टेस्ट देगी, बिल्कुल जैसा लगेगा ऐसे भरमा सब्ज़ी खा रहे हैं। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से पक चुका था, अब हमने डाल दिए इसमें टिंडे। तो यहाँ पे आप जैसे ड्राई बनाना चाहते हो ना, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा पानी कर दीजिएगा, तो बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि आपने जैसे भरमा टिंडे बनाए हों। जब भी तो पानी थोड़ा सा जलेगा ना, लेकिन मुझे थोड़ा अभी ग्रेवी चाहिए तो मैंने इसमें पानी कर दिया। ये देखिए तो सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनती है। आप जैसे भरमा बनाना चाहते हो, आपको हेडक नहीं चाहते हो कि भर रहे हैं उसमें फेंक करें, तो आप ऐसे ही काट के इस तरह से बना सकते हो। तब तक फिर उसके बाद मैं लगा लेती हूँ आटा। आटे को मैंने पहले लगा के रख दिया था, जैसे कि मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ती हूँ आटे को 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना भी टाइम मिल जाता है उतने घंटे के लिए रख देती हूँ आटे को। तो वहाँ पे आटा मेरा सेट हो चुका था। अब ये देखिए, ये लेके आए थे आम और केले, तो ये सुबह ही लेके आ गए थे, तो मैंने इनको वैसे बाहर रखा हुआ था, लेकिन भाई बच्चे हैं घर में तो नहीं मानते हैं, फिर कहते हैं मम्मा दे दो, मम्मा केला दे दो, मम्मा आम दे दो, वो जब तक दिखती है चीज़ तब तक करते ही रहते हैं। तो फिर मैं इनको डाल रही हूँ यहाँ पे पानी में, और थोड़ा सा हल्दी डाल के रख दूँगी इनको कम से कम 1-2 घंटे के लिए, तो पानी में ऐसे ही रखने दूँगी 2 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के लिए तो कम से कम रखूँगी। अभी पता नहीं क्या यार, ये डर सा लगने लगा है बहुत ज़्यादा, इतने में सब्ज़ी मेरी हो चुकी थी। ये देखिए तो सब्ज़ी आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी दिख रही है, और बहुत ही बनी भी बहुत अच्छी थी देखिए। और लास्ट में डाला है मैंने यहाँ पे गरम मसाला, तो सब्ज़ी बस बन के तैयार हो गई है। और इधर जब तक सब्ज़ी बना रही तब तक बच्चे आपको पता है ना बर्फ़ी के लिए मम्मा काट दो ना प्लीज़, तो यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे होंगे वो कट चुकी थी, यानी वो खा चुके थे बच्चे, तो यहाँ मैं निकाल रही थी। ये बनी तो बहुत अच्छी थी, आप देख रहे होंगे आसानी से निकल भी आ रही है, अगर यहीं ये फ्रिज में रख जाती ना तो थोड़ी सी टाइट हो जाती, तो बहुत अच्छी बनती। तो लीजिए आप लोग खा लीजिए, बर्फ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, टेस्ट में तो बहुत सुपर थी सच में। तो बस यहाँ पे हमारा जो है वो सब हो गया था, अब मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ। तो लीजिए भाई यहाँ लग चुकी है हमारी प्लेट, आप लोग भी खा लीजिए। आज चावल नहीं बनाए थे क्योंकि सब्जी थोड़ी कम थी आज मेरे, और चावल के साथ सब्जी ज़्यादा चाहिए। मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली हूँ, और बात भी ऐसे मुद्दे पर करने वाली हूँ, मतलब एक राय भी आपसे लेना चाहती हूँ, क्या ये सही है और कितना सही है। ऐसे भी कानून होते हैं कई, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे भी कानून होते हैं और जो अमेरिका ने बनाया है। तो आज मैंने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था, सुबह की बात है, तब से सच बता रही हूँ मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, और मेरे मतलब दिमाग में वो चीज़ निकल ही नहीं रही है। इतना मुझे अजीब सा मतलब सोचती हूँ ना उस बारे में कि ऐसा भी होता है, कहीं ऐसा भी कानून होता है, ये मतलब एक तुगलक की फरमान हो गया एक तरह से। तो मैं आपको बताती हूँ बात क्या है कि जिनके पास H1B वीजा है, वीजा कई तरीके के होते हैं, H1B वीजा जो होता है उसके तहत अभी जो ये कोरोना की वजह से अमेरिका में नौकरी से निकाल दिया गया है भारतीयों को, बहुत से भारतीयों को निकाल दिया गया जिनके पास ये वाला वीजा है, तो इनको भारत वापस आना पड़ेगा। इनको टाइम दिया गया है 60 दिन का, तो 60 दिन का टाइम दिया गया, चलो वो ठीक है, वो लोग आ जाएंगे। लेकिन एक कानून क्या नया बनाया है कि जिनके बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ है तो वो बच्चे वहाँ के नागरिक हो गए, उन बच्चों को वहीं छोड़ना पड़ेगा, उनको उन बच्चों को वो साथ नहीं लेके जा सकते। तो अब बताओ ऐसा सुन के किन माँ बाप
के ऊपर क्या बीती होगी आप बताइए, मतलब कि अपने बच्चों को छोड़ के कौन बाबा वापस आ सकता है, और फिर जाना आपको है, वापस आपको आना ही आना है। 60 दिनों का टाइम मिला है, 2 महीने का आपको आना है। एक तो उनकी नौकरी गई, दूसरे बच्चे भी गए उनके, ऐसे कैसे, मेरे तो समझ नहीं आ रहा ऐसे कोई कानून कैसे बना सकता है। ये तो एक तुगलक की फरमान हो गया एक तरीके से, कोई कानून नहीं है यार। ये सोचने वाली बात है कि मतलब एक तरह से अन्याय हो गया, बच्चों बच्चे के लिए भी अन्याय है और माँ बाप के लिए तो है ही अन्याय। एक मतलब समझ से परे है। मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि ये क्या है मम्मा, ऐसे भी होगा? पता नहीं भैया, मेरी तो समझ से बाहर है क्या चीज़ है कि अब किसी के बच्चे पैदा वहाँ हुए, एक एक महीने के बच्चे हैं, किसी के 6 महीने के बच्चे हैं, उनको तुम कैसे छोड़ सकते हो यार, किस तरीके से। मेरे तो सच में कलेजा फट रहा है ये सब सोच के कि कैसे कर सकते हो ये सब, कैसे कोई माँ बाप कर पाएंगे कि अपने बच्चों को कैसे छोड़ेंगे। पता नहीं, मैं तो सच बता रही हूँ आज बहुत दुखी हूँ इस खबर को सुन के, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। पांडे फैमिली है कोई, तो ये कल की बात है, कल वो लोग ये पेपर में दे रखा था, तो कल वो लोग एयरपोर्ट पे आए थे, उनको भारत वापस आना था, और जैसे ही पता चलता है कि उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया। क्यों? कि उनके जो बच्चों का जन्म था वो अमेरिका में ही था, यानी वो उसके नागरिक थे अमेरिका के। उनका एक बच्चा 1 साल का है और एक बच्चा 6 साल का है, अब उनको वापस आना पड़ा। अब बताओ कि वो क्या गुजर रही होगी उन लोगों पे, क्या करेंगे वो, बच्चों को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। अरे यार, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही सब कुछ हैं, और इतने छोटे बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ हैं, आप कैसे, मेरे तो सच में समझ नहीं आ रहा। एक तो नौकरी के बेचारों की, बच्चे भी, तो भैया मेरी तो भगवान उन लोगों से भी यही गुजारिश है कि इस कानून को बदलो, कुछ तो चेंज होना चाहिए, और मुझे लगता है होगा। ऐसा नहीं हो सकता यार कि बच्चों को प्रति ये नाइंसाफ़ी है, माँ बाप के प्रति भी नाइंसाफ़ी है, कोई अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है, वो भी दूसरे देश में, है ना, हो ही नहीं सकता ये। तो बस मुझे यही आज पूछना था, मैंने कहा मैं आपको, शायद किसी को पता है या नहीं है, बताना चाहिए कि ये गलत है ना, बहुत गलत है। सच बता रही हूँ, आज मेरी आंखों में मतलब दिल से ऐसा लग रहा है कि बार बार वही चीज़ आ रही है कि कैसे, एक का तो 6 महीने का बच्चा है, अब बताओ अहमदाबाद की हैं वो, उनको आना, और देखो नौकरी तो गई, आना ही आना है, आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा हर हालत में। अगर ये कंडीशन रही तो क्या बीतेगी, क्या होगा उनके साथ में, आपको आना तो है ही, कुछ भी हो जाए चाहे, तो पता नहीं है भगवान। मैं तो कहती हूँ कोरोना ने ना सबका सत्यानाश कर दिया है, क्या कर दिया है, देश को बर्बाद करके रख दिया है, पूरे विश्व को बर्बाद करके रख दिया है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से इसको हटाओ और सबको सामान्य करो, सब कुछ एक जैसा करो, बस बहुत थक चुके हैं इससे अब। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर सकते हो, और चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान आता है ना, उसको ज़रूर से क्लिक किया करो, और ऑल पे क्लिक किया करो। अक्सर ऐसा होता है ना, हम ऑल पे नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाती है, तो वीडियो नहीं देख पाते हो। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।